हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTAGC नेट ZRF 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एज वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड दिस यूनिट यू नो एंड आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 3 to 4 सेशंस यू नो ऑफ यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें इजीली एंड आप उन क्लासेस को अवेल कर पाएँ ताकि आप बेनिफिट उठा सकें एग्जाम के लिए, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं कोड 55 के लिए तो। राइट, सो यूनिट 4-5 का इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कभी कर लिए हैं क्योंकि हमने 3 से 4 सेशन अभी इससे पहले किया हुआ है IR से ही। सो ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सारे हमने किया हुआ है लास्ट सेशन में। आज का हमारा सेशन होगा, आज के इस सेशन का हमारा टॉपिक होगा थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो क्या थ्योरीज होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर वो बात करेंगे। सो सबसे पहले क्या है, यूनिटरी अप्रोच, दूसरा है प्लूरलिस्ट अप्रोच एंड थर्ड है क्लासिकल अप्रोच। सो इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं यूनिटरी अप्रोच क्या है। राइट, क्या थ्योरी है यूनिटरी अप्रोच की इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। या सो द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई वर्क एज अ हारमोनियस यूनिट एंड दे वर्क फॉर अ कॉमन गोल्स, हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग बिटवीन देम एंड दे वर्क एज अ टीम टू अचीव द अटेन द कॉमन गोल। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड 2003 एनी कॉन्फ्लिक्ट दैट मे अकर इज देन सीन एज द रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसचीफ, दस कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एज डिसरप्टिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी इज प्रिविलेज्ड इन द यूनिटरिस्ट अप्रोच बिकॉज ऑफ इट्स पैटर्नलिस्ट रूट्स सिंस देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। ट्रेड यूनियंस आर कंसिडर्ड एज अननेसेसरी, द ओरिएंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स मे बी मैनेजेरियल बट एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉयल एंड सिंसियर टू द ऑर्गनाइजेशन। सो क्या कह रहा है, यूनिटरी अप्रोच का क्या मेन मोटो क्या है। राइट, सो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इस थ्योरी में आपने देखा कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज वर्क एज हारमोनियस यूनिट एंड दे वर्क फॉर अ कॉमन गोल। सो यूनिटरी का मतलब होता है कि यूनिटी, यूनिट बना के काम करना, एकजुट होकर के काम करना। अगर एकजुट होकर आप काम करेंगे तो जो काम आपने 10 दिन में करना है, आप अगर यूनिट 10 लोग एक काम को कर, एक पर्सन अगर एक ही काम को कर रहा है, उस पर्टिकुलर काम को करने में उसको 10 दिन लग रहा है, तो क्यों ना एकजुट होकर के कुछ लोग मिलकर के काम करें, जिसको आप अगर 2-4 लोग आपके साथ और मिल जाते हैं एकजुट होकर के, अगर आप काम करते तो उस 10 दिन के काम को आप 2 से 4 दिन में या फिर 1 या 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आप यूनिट में आ गए, आपके साथ लोग मिल गए, आपके साथ सपोर्ट के लिए कोई आ गया जिससे कि आपका काम आसान हो गया और जल्दी हो गया। किसी स्पेसिफिक गोल को करने के लिए जब यूनिट एक यू नो आपके साथ हो, जब पूरी यूनिट हो हारमोनियस रिलेशन के साथ, हारमोनियसली काम करे और उस चीज़ को यू नो एक ही एनर्जी के यू नो एक ही एनर्जी में सारे लोग अगर जुटे हुए हैं तो उस काम को आसान, वो काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है और स्पेसिफिक टाइम पर ख़त्म हो जाता है। राइट, हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग बिटवीन देम एंड दे वर्क एज अ टीम टू अचीव द कॉमन गोल। सो इस कंडीशन में जब जहाँ पे चीज़ें हारमोनियसली होने लगती हैं, लोग एकजुट होकर के काम करने लगते हैं, मिलजुल करके कॉमन गोल की तरफ यू नो भागते हैं, उनको अचीव करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही नहीं होता है। राइट, वहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की, क्योंकि वो कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं एकजुट होकर के। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड्स 2003 एनी कॉन्फ्लिक्ट दैट मे अकर इज देन सीन एज द रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसचीफ। सो अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपने देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है
कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर चीज़ें बहुत बुरी होने लगती हैं, क्या से क्या चीज़ें हो जाती हैं, छोटी से छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। दस कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एज डिसरप्टिव टू डिसरप्टिव द कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी इज प्रिविलेज्ड इन द यूनिटरी अप्रोच बिकॉज ऑफ इट्स पैटर्नलिस्टिक रूट्स। सिंस देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियंस आर कंसिडर्ड एज अननेसेसरी। द ओरिएंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स मे बी मैनेजीरियल बट एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉयल एंड सिंसियर टू दी ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर एकजुट होकर के लोग काम करते हैं, हारमोनियसली काम करते हैं कॉमन गोल की तरफ, तो वो काम बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से हो जाता है। और वहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जहाँ पर लोग हारमोनियसली काम करते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की भी कॉन्फ्लिक्ट की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के काम को कर रहे होते हैं। दैट इज द यूनिटरी अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच क्या कह रहे हैं? द प्लूरलिस्ट अप्रोच वॉज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय जॉन आर कॉमन। सो ये प्लूरलिस्ट अप्रोच कहाँ डेवलप हुआ था? दैट वॉज डेवलप्ड इन USA बाय जॉन आर कॉमन। आपको नाम याद रखना है। ही इज कंसिडर्ड अ सोसाइटी एज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप विथ देयर ओन गोल्स, हेंस कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन द सिस्टम एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज यूज एज अ मशीनरी और टू शॉर्ट आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। सो प्लूरलिस्ट अप्रोच में का जो आप बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, जहाँ पर अगर दो पार्टीज एमिकेबली कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, एमिकेबली उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी आती है जहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। फिर वो क्या करते हैं, एक वो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है वो एक मशीनरी की तरह काम करती है और वो प्रॉब्लम को एंड कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करती हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। सो दिस इज द प्लूरलिस्टिक अप्रोच। थर्ड देखेंगे, प्लूरलिस्ट में ही देखेंगे, द थ्योरी प्लूरलिस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द एंटरप्राइज कंटेन्स पीपल विद अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एम्स एंड एस्पिरेशंस, देयर फॉर इट इज अ कोलिजन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। आर्थर रोज आर्ग्यूड दैट वी शुड व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्लूरल सोसाइटी कंटेनिंग में मेनी रिलेटेड बट सेपरेट इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन सम काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड देखेंगे, क्लासिकल अप्रोच क्या है, जिसको हम मार्क्सी टॉप मॉडल भी कहते हैं, रेडिकल अप्रोच भी बोलते हैं। कार्ल मार्क्स, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल अप्रोच इज गिवन बाय हु, आपको या तो मैचिंग वाले क्वेश्चन दे दिया जाएगा या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा वन लाइनर वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल अप्रोच इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। आप याद करेंगे ट्रिक से, किस तरह से आपको याद करके रखना है। सो मैंने कैसे याद किया, क्लासिकल अप्रोच इज गिवन बाय कौन, तो सी से, लाइक आपको जैसे जो आपका प्रोनाउंसिएशन है कि के से क्लासिकल, के से कार्ल मार्क्स, तो क्योंकि वैसे स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है, जैसे सी से क्लासिकल होगा और के से कार्ल मार्क्स होगा, लेकिन मैंने क्या अपने माइंड में बनाया कि क्योंकि जो हिंदी का उच्चारण हो रहा है क्लासिकल, क से क्लासिकल और क से कार्ल मार्क्स, सो क करके मैंने इसको याद रखा कि क्लासिकल कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्लासिकल, तो इस तरह से मैंने याद रखा कि क्लासिकल किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। सो हम इस तरह से याद करेंगे। सो क्लासिकल अप्रोच, कार्ल मार्क्स कंसीडर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस एंड यूज्ड इट टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी। ही वॉज कंसर्न विद सर्टेन माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस एंड डीप रूटेड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी एज अ होल एंड नॉट विथ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और फॉर्म्स। मार्क्स डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू क्लासेस। सो उन्होंने क्या बोला कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर वो ब्रॉडर एक तरह की बड़े पैमाने का एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द क्लासेस एंड यूज्ड इट टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी। सो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया
क्लासेस को इनटू टू कैटेगरीज. तो कैटेगरीज आर कैपिटलिस्ट हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कि खुद उनका प्रोडक्शन हाउस होता है, दे आर द ओनर ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड प्रोलेटेरियट हु ओन्स नथिंग बट देयर ओन लेबर पावर. एक तो होते हैं कैपिटलिस्ट जो कि प्रोडक्शन को ओन करते हैं, राइट. और दूसरा क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, दे आर प्रोलीटेरिएट हु ओन्स नथिंग बट देयर ओन पावर. उनके पास कुछ नहीं होता है सिर्फ सिवाय उनके खुद के पावर के. दीज क्लासेस आर एंटागोनिस्टिक ग्रुप्स. एंटागोनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट आर ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ मार्क्स कॉन्सेप्शन ऑफ क्लास. The reason of this, the reason for this fundamental antagonism lie in the capitalist mode of production, right? So mainly exam में क्या पूछते हैं, exam में पूछते हैं, मैं इसको भी बता लेती हूँ एक बार. तीन देख लेते हैं आगे का जो चार है, पांच, चार की जगह पांच नहीं किया, छः कर दिया, सात, ठीक है. ये दो तीन पॉइंट्स हैं इसी टॉपिक से, हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे. फिलहाल में मैं आपको बता देती हूँ कि पूछते क्या है. सो आपको ये जो इसका थ्योरी पार्ट है ना, यूनिटरी अप्रोच का थ्योरी पार्ट, प्लुरलिस्ट का थ्योरी पार्ट, ये सब नहीं पूछेंगे. ये तो मैंने सिर्फ आपको, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी, हो जाएगी कि यूनिटरी अप्रोच क्या होता है, प्लुरलिस्ट, क्योंकि शब्दों से तो आप आधा समझ जाएंगे लेकिन कुछ चीज़ें थ्योरी का भी बताना ज़रूरी होता है ताकि आपका बेस मजबूत रहे. क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. अगर बेस मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, तभी भी अगर आपने थ्योरी किया होगा अच्छे से तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो इसलिए मेरा पर्पस क्या है कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात ना करके हम थ्योरी को भी देखें, उसके अंदर डेप्थ में जाए थोड़ा, ठीक है. सो यूनिटरी इंडस्ट्रियल थ्योरीज, इंडस्ट्रियल थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर यूनिटरी अप्रोच, प्लुरलिस्ट अप्रोच, तो ये जो अप्रोचेस हैं इनको, जैसे चार पांच अप्रोचेस आपने किसी ऑप्शन में डाल देंगे और उसके ऑथर्स के नाम दे देंगे, ठीक है, कि जैसे कार्ल मार्क्स क्लासिकल हो गया. तो इस तरह से एक कौन से अप्रोच को किसने दिया है, क्या उनका मोटो है, क्या पर्पज है, इस तरह से क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, आपको इन पे ध्यान देना है, राइट. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इसी इसी टॉपिक का जो सब टॉपिक होगा, सेशन होगा, उस सेशन, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशंस और न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या है, राइट. सो तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.